गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा एंजॉय करते रहिए, साथ ही साथ हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति की तीन प्रारंभिक और अंतिम एक्स अक्ष के अनुदिश अंतिम स्थितियां एक्स अक्ष के अनुदिश दी गई है। ऑप्शन ए है -8 मीटर और 7 मीटर, ऑप्शन बी है 7 मीटर -3 मीटर और ऑप्शन सी है -7 मीटर और 3 मीटर। क्वेश्चन है, कॉमन संयुग्म ऋणात्मक विस्थापन को दर्शाता है। चलिए, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि सब एक सच के अनुदेश है, लेकिन सवाल है कि किसमें परिणामी विस्थापन माइनस में आएगा, किसमें जो है किस कंडीशंस में परिणामी विस्थापन माइनस में आएगा। ऑप्शन है, एक नंबर में ऑप्शन है केवल ए, दूसरा ऑप्शन है केवल बी, तीसरा ऑप्शन है केवल सी और चौथा ऑप्शन है ए एवं सी। यह हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब समझने की कोशिश करें कि परिणामी विस्थापन किसमें माइनस होगा, ऋणात्मक होगा। तो 8 से 7 -8 से 7 पर गए हैं, 7 से 7 -3 पर गए हैं, अब -7 से 7 -7 से 7 3 बर्गर है। तो परिणामी विस्थापन निकालने के लिए आपको पता होगा कि लास्ट वाला ना शुरू वाला घटाते हैं, यही तरीका है। 10 पर थे, 15 पर चलेंगे तो कितना विस्थापन होगा, 15 माइनस 10, 10 पर थे 18 पर चलेंगे कितना विस्थापन होगा, 18 माइनस 10। यानी परिणामी विस्थापन निकालने के लिए तरीका है कि लास्ट वाला में शुरू वाला घटाते हैं, अंतिम में से शुरू वाला घटाते हैं। तो 7 में से पहले यदि सॉल्व करते हैं हम, तो 7 में से -8 घटाएंगे तो 15 आएगा, दूसरा करते हैं तो -3 में से 7 घटाएंगे -10 आएगा, और तीसरा देखते हैं तो 3 में से -7 घटाएंगे तो 10 आएगा। अब बताइए कि ऋणात्मक किसमें आया, परिणामी विस्थापन ऋणात्मक किसमें आया, इसमें है, इसलिए आपका केवल बी आंसर हो जाएगा इसका। परिणामी विस्थापन निकालने के लिए अंतिम वाला में से शुरू वाला घटाते हैं, परिणामी विस्थापन निकालने के लिए अंतिम में से शुरू वाला घटाते हैं। तो लास्ट वाला में शुरू वाला घटा के चेक करिए किसमें हमारा माइनस में आ रहा है। तो हमने चेक किया तो हमारा सेकेंड वाला केस में माइनस में आ रहा है, बाकी जो केस है उस दोनों में प्लस में है, इसीलिए हमारा केवल ये आंसर सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दोबारा सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चों के सवाल कुछ है जो पेंडिंग भी है मेरे पास में, हमने उनका जवाब नहीं दिया है अभी तक, तो हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 30 मीटर उत्तर दिशा में, इसके पश्चात 20 मीटर पूर्व दिशा में
तथा अंत में 30.2 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है। प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति के विस्थापन क्या होंगे, ये वेक्टर का हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं आपको समझना है। तो पहला दिया है 30 मीटर उत्तर दिशा में, 30 मीटर उत्तर दिशा में, 30 मीटर उत्तर चला। इसके बाद 20 मीटर पूर्व दिशा में, 20 मीटर पूर्व दिशा में। उसके बाद पहले यहां चारों दिशा दे दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा डबल डायरेक्शन की बात है। यहां पर और अंत में 30.2 मीटर दक्षिण पश्चिम चलता है। तो दक्षिण पश्चिम का मतलब हो गया ये चौथा बॉक्स में, तीसरा बॉक्स में, इस बॉक्स में चलता है 30.2 मीटर मान लीजिए। इस तरह से हम ले लेते हैं जो भी हमारा टर्म है। तो करेंगे परिणामी विस्थापन कौन सा होगा। तो परिणामी विस्थापन पहले के हेड को दूसरे के टेल से, दूसरे के हेड को तीसरे के टेल से, और अंत में पहले के टेल को आखिरी के हेड से मिलाते हैं। पहले के टेल को आखिरी के हेड से मिलाते हैं और यही हमारा परिणामी होता है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। अब बात करते हैं कोण के बारे में। कोण निकालना होगा तो हम बता चुके हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से दाहिने तरफ रेखा खींचिए, स्टार्टिंग पॉइंट से दाहिने तरफ रेखा खींचिए, जो कोण बनेगा वही परिणामी कोण होगा। इसका हो जाएगा 90 डिग्री। इसका खींचिए स्टार्टिंग पॉइंट से दाहिने तरफ, स्टार्टिंग पॉइंट से दाहिने तरफ रेखा खींचिए, इसका बनेगा 0 डिग्री। और इसका निकालिएगा, इसका निकालिएगा तो यहां से हमारा स्टार्ट होगा और ये हो जाएगा 225 डिग्री। फाइनली सॉल्व करना चाहें तो एक्स बराबर 30 cos 90 प्लस 20 cos 0 डिग्री प्लस ये 30.2 दिया हुआ है, 30.2 मीटर cos 225 डिग्री। मान बढ़ा के सॉल्व करिए, 30 cos 90 का मान 0, 20 cos 0 का मान 1 और 30.2 cos 225 का मान -1/√2। तो √2 से 30.2 दिया है, सॉरी 30.2 गुना -1/√2। √2 से √2 कटेगा, फाइनली 0 प्लस 20 माइनस 30 यानी -10 मीटर। y निकालिएगा तो सब साइन हो जाएगा, 30 sin 90, 20 sin 0, 20 sin 0 प्लस 30.2 sin 225, 30 sin 90 का मान 1, 20 sin 0 का मान 0 और 30.2 sin 225 का मान -1/√2। √2 से √2 कटेगा, ये हो जाएगा 30 + 0 - 30, फाइनली y हमारा 0 हो गया। यानी ये कह सकते हैं कि जो परिणामी विस्थापन होगा वो x बराबर 10 मीटर होगा। परिणामी विस्थापन निकालिएगा तो √x² + y² होगा, √x² + y² हुआ। और सॉल्व करिएगा मान बिठा करके तो r का मान 10 मीटर आएगा, r का मान कितना आएगा 10 मीटर। दिशा इसे पूछ रहा है तो tan अल्फा बराबर y/x, तो y हमारा 0, x हमारा -10 मतलब 0 तो tan अल्फा बराबर 0, तो अल्फा बराबर 0 डिग्री। यानी फाइनली ऐसे भी समझिए, माइनस में दिया हुआ है, ये सच की ओर होगा लेकिन माइनस की ओर होगा यानी पश्चिम की ओर होगा, तो 10 मीटर पश्चिम की ओर इसका आंसर फाइनल हो जाएगा। जो ऑप्शन दिया हुआ है कि 10 मीटर पश्चिम की ओर, 10 मीटर पश्चिम की ओर, इसका क्वेश्चन हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। इसका जो फोटो है हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ये सेकेंड हमारा क्वेश्चन हुआ। फिर से एक बार समझिए, हल्का फुल्का
कुछ विद्यार्थी जो पहली बार देख रहे होंगे शायद उनको समझने में दिक्कत हो, क्योंकि ये हम जो वीडियो डाल रहे हैं ये उनके लिए है जो बच्चे रेगुलर क्लास किए हैं। यदि आपने रेगुलर क्लास नहीं किया है तो शायद आपको वीडियो समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले समझिए कि 30 मीटर पूर्व की ओर उत्तर की ओर गया है, 30 मीटर उत्तर की ओर। उसके बाद 20 मीटर पूर्व की ओर गया है, 20 मीटर पूर्व की ओर। इसके बाद 30.2 मीटर दक्षिण पश्चिम, इधर आ गया, डायग्राम बन गया। अब बात करते हैं कोण की, कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका कोण बनेगा 90 डिग्री, इसका 0 डिग्री और इसका 225 डिग्री। फॉर्मूला कहता है एक्स निकालिए, वाई निकालिए और आर के सूत्र में डाल दीजिए। आर हमारा परिणामी आ गया 10 मीटर। दिशा की बात करें तो 0 डिग्री आया, लेकिन ये -10 में है इसीलिए 10 मीटर पश्चिम की होगा। जो आप डायरेक्शन जानते होंगे वो इस तरह का होता है, तो +10 होगा तो इधर होगा, -10 होगा तो इधर होगा। इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इसीलिए हमने 10 मीटर पश्चिम की बात की है। इसी टाइप में एक और प्रश्न दिया हुआ है, वो देखिए। एक वायुयान 400 मीटर उत्तर की ओर, 300 मीटर दक्षिण की ओर और 1200 मीटर ऊपर की ओर गति करता है, तो कुल विस्थापन कितना होगा। एक वायुयान जो है 400 मीटर दिया हुआ है, आप देखेंगे समझेंगे, 400 मीटर उत्तर की ओर, 300 मीटर दक्षिण की ओर और उसके बाद जो है 1200 मीटर ऊपर की ओर उठता है, तो कह रहे हैं परिणामी विस्थापन कितना होगा। ये डायग्राम से तो हमको नहीं बता पाएंगे, डायग्राम से नहीं समझ पाइएगा, 3D फिगर हो गया ये हमारा, 3D फिगर हो गया। पहले तो समझिए 400 मीटर उत्तर की ओर, तो 400 मीटर उत्तर की ओर मतलब ये वाला मानिए 400 मीटर उत्तर की ओर। उसके बाद 300 मीटर दक्षिण की ओर, तो यहां से चलाया रिटर्न 300 मीटर दक्षिण की ओर, ये 300 मीटर दक्षिण भी हो गया, रिटर्न आ गया। तो फाइनली तो हमारा 100 मीटर अभी तक बचा हुआ है और उसके बाद 1200 मीटर ऊपर की ओर ऐसे, 1200 मीटर ऊपर की ओर ऐसे इस तरह से। तो जो परिणामी होगा, वो ये वाला होगा इस तरह से, यहां पर त्रिभुज बनाएगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा परिणामी इस तरह से। आशा करते समझ रहे होंगे। उत्तर देखिए, पहले दिया है उत्तर की ओर, तो 400 मीटर उत्तर गया और 300 मीटर दक्षिण, तो 100 मीटर ना बचा, परिणामी अभी उसके पास 100 मीटर बचा हुआ है। और उसके बाद दिया हुआ है कि 1200 मीटर ऊपर, तो 1200 मीटर ऊपर ऐसे, बोर्ड तो पलट के दिखा नहीं सकते, तो ऐसे, तो परिणामी ऐसे होगा, समकोण बनाएगा, तो परिणामी हमारा हो जाएगा यहाँ पर एगो 100 और एगो 1200। सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वो है ही हमारा आंसर होगा, 12 × 144 और 4 × 0 आर बराबर, ये हमारा हो जाएगा 145 पर 4 × 0, 4 × 0 का वर्गमूल 100 हो जाएगा, 145 का 12 × 144 से लगभग होता है 1200 समथिंग होगा, 144 का वर्गमूल जो है 1200 समथिंग होगा। तो इसमें आंसर जो दिया होगा 1200 मीटर अप्रोक्स दिया हुआ है, इसका निकालिए 145 का वर्गमूल, तो 1200 समथिंग जो भी है आएगा, आएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो 1204 मीटर आएगा। अब 1204 दिया नहीं है तो 1200 आंसर फाइनल हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। मेन इसमें कॉन्सेप्ट समझ आया, जो अभी तक हम लोग जो क्लास पढ़े हैं उसमें दो ही डायग्राम दिया हुआ था, या तो मैंने जो भी है उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम ऐसे दिया, जमीन पर चल रहा था, लेकिन इसमें जमीन के अलावा हवा में भी उड़ा दिया। हम लोग अभी तक जब भी पढ़े थे क्वेश्चन, तो या तो उत्तर चलता था दक्षिण पूरा पश्चिम, लेकिन इसमें उत्तर दक्षिण के अलावा जमीनों ऊपर भी उड़ा दिया, तो ऊपर उड़ा दिया, तो यहाँ पर हम जमीन वाला दिखा दिए, उत्तर वाला 400 दक्षिण वाला 300, लेकिन अगली बार ऊपर दे दिया ऐसे, 1200 ऐसे हो जाएगा हमारा, इस तरह का डायग्राम बन जाएगा, 100 आधार और ये हमारा जो लंब है वो 1200 हो जाएगा, कर्व निकाल लीजिए। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
तो यही तीन प्रश्न अभी एंजॉय करिएगा। इसका जो क्वेश्चन का प्रिंट है या पीडीएफ है वो टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग जो है देख लीजिएगा। और भी जैसे अभी तो तीन प्रश्न बनाए, कुछ और प्रश्न आएंगे उसको ट्राई करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत।